वार्ता 84 स्वामीनारायण हरे। बापाश्रीए कृपा करीने वात करी जे भगवानो भक्त खटको राखी कथा वार्ता साधु समागम सेवा भक्ति आदि करे तो आने आ देहे पूरू थई जाय। जीवने तो कहीं करवूं नहीं ने कृपा साध्य गोते पण क्रिया साध्य नहीं केम जे तेमा कारसो आवे माटे ढीला न रहेवू। महाराज ने राजी करवा तत्पर थवू। महाराज साचा भाववाला उपर तरत प्रसन्न थई जाए छे। ते उपर वात करी जे दंडाव्य देश में एक दोषी महामुक्त हता ते हाथ जोड़ी ने कहे महाराज हूँ तमारो थाळ करूँ एम कही ने महाराज नो थाळ करे। पछी रसोई सारी थवा माटे माहिती जरा चाखी जुए ने एक एक गट्टो भरे। पछी ए वातनी भगुजी ने खबर पड़ी त्यारे कह्यू जे महाराज तमने आ डोसी आवो थाळ जमाड़े छे। त्यारे महाराजे परीक्षा लेवा कह्यू जे एम करता होय तो तमे जई ने तेने मारो। ते मारवानी तो आज्ञा थई पण डोसी खरेखरा महिमावाळा। तेथी रेंटियो फेरवता स्वामीनारायण स्वामीनारायण एम बोले। त्यारे विचार्यू जे आवा भक्तने केम मराय। पछी ते वात ब्रह्मानंद स्वामीने कही त्यारे तेमणे महाराजने कह्यू के महाराज तमे आवुं वचन कीधुं छे पण ते बहु आकरुं छे केम जे डोसी महामुक्त छे। त्यारे श्रीजी महाराज कहे आवुं वचन तो अमारुं पण न मानवुं एम कहीने ते राजबाईनी प्रशंसा करी। माटे साचा भावथी जे थाय ते ठेठ पूगे ने महाराज राजी थाय। जेने सर्वदेशी समजणुं होय ते तो क्यांय अटके नहीं। मोक्ष तो श्रीजी महाराज कृपाए करीने करे छे। पछी एम वात करी जे महाराजना अनादिमुक्तनो महिमा बहु भारे छे। एवा मोटाने जमाड़े तो अनंत कोटी ब्रह्मांडने जमाड़े तेटलू फळ थाय छे। ते उपर वात करी जे एक वक्ते राजबाईए 500 साधुने जमाड़वानी रसोई करावी। ते तैयार थया पछी श्रीजी महाराजे मुक्तानंद स्वामी गोपाळानंद स्वामी नित्यानंद स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी आदि 4 संतने जमवा मोकल्या। आ संतो तो त्यां जईने 500 साधुनी रसोई जमी गया। तेवी आ बाई ने खबर पड़ी जेथी दिलगीर थई रोवा लाग्या जे हवे आटला संतने हूँ शू जमाड़ीश एम कही ने बीजी रसोई करावी। ते पण ए 4 सद्गुरुओ एवी ज रीते जमी गया। त्यारे ए बाई उदास थई ने महाराज पासे गया अने महाराज ने आ वात करी। त्यारे महाराजे 4 सद्गुरुने बोलावी ने ब्रह्मानंद स्वामीने पूछ्यू जे तमे केटलू जम्या। त्यारे स्वामी कहे महाराज हूँ तो एक नवटाक जम्यो छू अने बीजा संतो पण नवटाक नवटाक जेटलू मांड जम्या हशे। बीजू तो सर्वे धामना मुक्तोने जमाड़ी दीधूं के अनंत कोटी मुक्त जम्या। आ वात सांभळीने ए बाई कूदवा माँड्या ने बहु ज प्रसन्न थया। आवा मोटा मुक्तन ओळखवा ने तेमनी सेवा करवी ने राजी करवा एटले भेगा महाप्रभुजी पण राजी थाय। आ रीतनी खबर न होय तेने साचा खोटानी वात जाण्यामां न आवे। सर्वेना कारण श्रीजी महाराज छे ने तेमनुं कार्य अनंत अवतार ऐश्वर्य विभूति छे। माटे ते कार्य कारणरूप श्रीजी महाराजनी समृद्धि ने सामर्थ्य जोई महाराजनो महिमाए सहित निश्चय राखी ने दिव्य मूर्तिनुं ध्यान करवू। महाराज तथा मोटाने विषे सदाए दिव्य भाव राखो। मोटानी अनुवृत्तिमां सुख छे। महाराजनी मूर्तिमां रसबस रहेवू। प्रगट भगवान प्रगट मुक्त प्रगट संत होय त्यारे माणसने समजाय नहीं पण पछी आवा मळे नहीं माटे महिमा बहु समजवो। भगवान अने मोटा मुक्तना राजी पावीना वासना टळती नथी। ते उपर एक कणबीनी वात करी जे तेने अंत समय राब खावानी वासना थई। पछी राब करता जरा वार लागी त्यां तो तेनो देह पड़ी गयो पण राबमां वृत्ति रहेल तेथी मरीने ते भूत थयो। माटे महाराजनी मूर्ति विना क्यांय वासना राखवी नहीं। महाराजनी तथा मोटानी अनुवृत्तिमां रहे अने मूर्तिमां रसबस जोड़ाई जाए तो आ देह जाणे अक्षरधाममां बैठो छे अने ते ज छेल्लो जन्म छे ने तेनो ज आत्यंतिक मोक्ष थयो जाणवो। 6 महीना सुधी सत्संग अहोरात्रि करिए तेटलू काम जो मोटा मुक्तोनो विश्वास होय तो एक दिवसमां मोटा पूरू करी आपे। आ वखत फरी मळे तेवो नथी। सत्संगनो निश्चय क्यारे कहेवाय के महाराज तथा मोटा मुक्त सिवाय बीजे क्यांय प्रतीति आवे नहीं। कोई देव देवलानो तेने भार रहे नहीं।
આંબાના વૃક્ષનો એક વખત જાણીને નિશ્ચય કર્યો જે આ આંબો છે, તે પછી રાત્રિ હોય કે દિવસ હોય કે ગમે તે આવીને કહે જે આ આંબો નથી ને લીમડો છે, પણ જાણનારને આંબા સિવાય બીજો નિશ્ચય થાય નહીં, તેમ ભગવાન તો એક પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ જ છે, તે સિવાય બીજા કોઈ ભગવાન નથી, અને તેમના મુક્ત તથા સંત તે પણ એ મૂર્તિરૂપ જ છે એમ દ્રઢ નિશ્ચય કરવો. ઇતિ બાપાશ્રીની વાતો ભાગ બીજો, વાર્તા 84મી જે તે થઈ.